कि उपदेश का नाम क्या है? भूमिचाल। भूमिचाल यानी कि भूमि चालन, चालन मतलब हिलना है ना, चालन होने के बारे में बताया गया सूत्र, भूमि चालन के बारे में, भूकंप। उसे भगवान बुद्ध जी वैशाली में कूटागार शाला में विराजमान थे। उस समय सुबह चीवर पात्र लेकर के वैशाली में भिक्षाटन गया। शाम के समय में आनंद बंते जी को बताया, आनंद अब ये परिनिर्वाण के लिए निकलने का टाइम, मतलब परिनिर्वाण के लिए अभी तक शुरू हुआ नहीं, यानी कि 80 साल हो गया तब ये उपदेश दिया है। पता है आनंद, निशीदन ले लो, हम लोग चापाल स्थान में जाएंगे, चापाल स्थान में जाएंगे, वहाँ रहेंगे जी तथागत। आनंद बंते जी निशीदन को लेकर के चले गए भगवान बुद्ध जी के साथ। निशीदन मतलब बैठने वाला, बैठने वाला आसन है ना, उसको निशीदन कहता है, हिंदी में निशीदन होता है शुद्ध हिंदी। तो चापाल स्थान के पास बिछाया हुआ निशीदन पे भगवान बुद्ध बैठ गए। बैठ बताया आनंद बांते जी बताया, आनंद ये वैशाली बहुत मनोहर है, मनोहर हिंदी में मनोहर मतलब ये उदयनी स्थान भी बहुत मनोहर है, ये गौतमक स्थान भी मनोहर है, सत्तम्बक स्थान भी बहुत मनोहर है, बहुपुत्रक स्थान भी बहुत मनोहर है, सारांगद स्थान भी मनोहर है और चापाल स्थान भी बहुत मनोहर है, सुंदर है। आनंद जो कोई चार रिद्धिपाद धर्म बढ़ाएंगे तो बहुत बहुत बढ़ाएंगे, तो चढ़ के जाने वाली गाड़ी जैसा बढ़ाएंगे, तो गाड़ी जैसा मतलब गाड़ी में बैठने के बाद थाकर लगाना जरूरी है, अपने आप चल जाते हैं ना, वैसा ही रिद्धिपाद अपने आप होते रहना जैसा प्रैक्टिस किया तो अच्छा से रुद्धिपाद अपना जैसा रख पाएंगे तो आनंद उनको अगर चाहेंगे तो आयुकल्प या आयुकाल से भी ज्यादा रह सकता है। आयुकल्प मतलब क्या है? उस समय मानव का उम्र 120 साल या तो फिर उससे भी ज्यादा 200 साल रह सकता है। ऐसा किसको निमंत्रण करेंगे तो? जिसके पास चार रिद्धिपाद हैं उन लोग निमंत्रण करेंगे तो। कौन चार रिद्धिपाद क्या है? छंद रिद्धिपाद, छंद दूसरा चित्त, वीर्य, विमांसा, जानते हैं चार। पता है आनंद तथागत ये चार रिद्धिपाद अच्छा से प्रयास किया है। तथागत ने ये रिद्धिपाद चढ़ के जाने वाले वाहन जैसा अच्छा से प्रैक्टिस किया, अपना लिया, सही ढंग से संपूर्ण किया रिद्धिपाद। अगर तथागत चाहेंगे तो एक आयुकल्प या आयुकाल से भी ज्यादा जी सकता है। इसी प्रकार दम सीधा आनंद बंते जी को बताते समय में भी कठोर प्रकार से समझा, कठोर प्रकार से मतलब घुमा घुमा के नहीं, एकदम सीधा बताने के बताते समय में भी आनंद बंते जी ये नहीं समझ पाया कि क्या नहीं समझ पाया। आनंद बंते ये बोलना चाहिए था, तथागत बहुत जन का हित के लिए, बहुत जन का सुख के लिए, देव मानव का कल्याण के लिए लोकानुकंपा करके आयुकाल विराजमान हो,
सुगत आयु काल से भी ज्यादा विराजमान हो, ऐसे करके निमंत्रण नहीं किया, क्योंकि आनंद भक्ति जी का मन पापी मार ने पकड़ लिया था। दूसरी बार तीसरी बार भी ऐसे हुआ। इस पर भगवान बुद्ध जी आनंद भक्ति जी को बताया, आनंद अब इधर क्यों रहेंगे, जा के कहीं बैठी जी तथागत ऐसे बोल के एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। आनंद भक्ति जी निकल के कुछ ही देर में पापी मार भगवान बुद्ध को बताया, तथागत भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण हो जाइए, सुगत जी परिनिर्वाण हो जाइए तथागत। अब भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण के लिए समय आ गया है। हे स्वामी जी, आपने मुझे एक दिन बताया मार, जब तक मेरा भिक्षु श्रावक भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका व्याप्त नहीं हो, विनीत ना हो, विशारद ना हो, निर्वाण की रास्ता पे न आए, बहुश्रुत ना हो, धर्म धर ना हो, धर्म की रास्ता पे अच्छे से प्रैक्टिस ना करे और पूरे धरती को देवमानों को ज्ञान नहीं बता दे, धर्म के अनुसार ना जिए और गुरु ना बने और उपदेश ना दे, तथागत की धर्म अच्छे से निकल के बाट बाट के समझा समझा के न बता दे और दूसरों को वाद विवाद को तोड़ के सत्य को सामने लाने के लिए सक्षम ना हो, तब तक मेरा परिनिर्वाण ना होगा। लेकिन तथागत अभी आपका श्रावक लोग व्याप्त है, विनीत है, विशारद है, निर्वाण पे आया है, बहुश्रुत है, धर्मधारी है, धर्मानुधर्म प्रतिपदा में आया है, पूरे देव मानव को ज्ञान बता रहा है, सब अनुधर्मचारी है, अभी आपका शिष्य लोगों को गुरु लोग भी है, गुरु लोग के अंदर उन लोग चीवर पहनते हैं और उन लोग प्रवचन देते हैं, नियम बनाता है, पूरा आपका ज्ञान खोल के बांट के निकाल के अच्छा से फैलाता है, जो आया हुआ सारे दूसरों का वाद विवाद को कारण सहित तोड़ के हटा देता है, प्रातिहारे दिखाता है। इसीलिए सुगत अभी समय आ गया, परिनिर्वाण हो जाइए, तथागत परिनिर्वाण हो। हे स्वामी, अब भगवान बुद्ध जी को परिनिर्वाण के लिए समय आ गया है। तीन बार बताया, मारे मार तुम ज्यादा मेहनत करना जरूरत नहीं है, तथागत का परिनिर्वाण ज्यादा समय जाने से पहले होगा, आपसे 3 महीना बाद तथागत परिनिर्वाण हो जाएंगे। इसके बाद भगवान बुद्ध जी चापाल स्थान में होश में रहते हुए ध्यान में आकर के अपना आयु संस्कार त्याग कर दिया। तथागत आयु संस्कार त्याग करते ही ये धरती हिलने लगा, खतरनाक रोमा खड़ा होने वाला जैसे डरावना हो गया, आसमान गूंजने लगा, ऐसा गूंजने लगा कि आसमान से बारिश गिरने लगा पानी। तब
भगवान बुद्ध या यही कारण क्यों धरती नहीं सह पाया, धरती कंपित हो गया। क्यों? बहुत समय के बाद ऐसे लोग दुनिया में जन्म लेते हैं, बहुत समय बाद। अब इनका 3 महीना बाद कैसे इनको दर्शन करेंगे, इनका चरण कहाँ छुएंगे? फिर भगवान बुद्ध ये जान के बताया, अध्यात्म निर्वाण की रास्ता पे जिसका मन एकाग्र है, उन 7 के मुनींद्र तथागत तुल्य अतुल्य भव संस्कार को त्याग कर दिया है। अपने पास जो था आयु कल्प रहने का क्षमता था, वो कैसे त्याग कर दिया है? युद्ध जीत के आने के बाद सिपाही कभी युद्ध वाला कपड़ा पहन के नहीं रहता है, युद्ध वाला कपड़ा छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार तथागत ने आयु संस्कार को त्याग कर दिया। उसमें आनंद भक्ति जी का मन में आया, ये धरती कैसे डोला है? तो बहुत जोर से धरती हिलने लगा, तो रोमा खड़ा होना जैसा डरावना हो गया। इतना धरती पूरा हिलने लगा, आसमान से पानी भी गिर रहा है। तो आनंद, इस धरती चालन का कारण क्या है, भूमि चालन का क्या कारण है, क्या प्रत्यय है? भगवान बुद्ध जी के पास आए, नमन करके बैठ के भगवान बुद्ध जी को बताया तथागत एकांत रूप से बहुत बड़ा भूमि चलन हो गया, ये भूमि चलन बहुत बड़ा है, डरावना है, रोमा खड़ा हो जाता है, आसमान गूंजने लगा, आसमान गूंज के पानी बूंदा टपकने लगा। ये भूमि चलन का क्या कारण है, क्या प्रत्यय है? आनंद 8 कारण होता है ये धरती डोलने का। पहला है, ये पृथ्वी जल पर है, ये पानी हवा पर है, हवा आकाश पर है। आनंद जिस प्रकार ये वायु, ये वायु क्या होता है, चलता है, हाँ, जिस प्रकार ये वायु बहता है, वैसा एक समय आता है ये महावायु, महावाक्य बहुत बड़ा वायु बहते समय पानी कंपन होता है, कंपन जानते हैं ना, कंपित होता है। पानी कंपित होने से धरती डोलने लगता है, ये भूमि चलन का पहला कारण है। आनंद कोई रिद्धिमान, कोई श्रमण ब्राह्मण हो सकता है, वो अपना मन अपना वश में कर लिया हो, वैसा महान अनुभव वाले देवता हो या मानव हो या ब्राह्मण हो श्रमण हो, वो पृथ्वी संज्ञा थोड़ा करता है, लेकिन आपो संज्ञा, आपो मतलब जाल है ना, आपो संज्ञा ज्यादा करके ध्यान करता है, यानी कि पृथ्वी संज्ञा काम करता है लेकिन आपो संज्ञा ज्यादा बढ़ा के ध्यान करता है, वो भी ये धरती डोला सकता है अपना ध्यान की शक्ति से। ये दूसरा कारण है धरती हिलने का। आनंद तीसरा कारण है, जिस दिन बोधिसत्व तुसी देवलोक से च्युत होकर अपना माँ की पेट में घुस जाते हैं, उस समय ये धरती डोलता है, अच्छे से डोला जाता है, हिलने लगता है, ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है, जिस दिन बोधिसत्व होश में रहते हुए अपनी माँ की पेट से निकल रहे हैं, उस समय माँ की पेट से निकलते समय में भी
धरती डोलता है, हिलने लगता है, कंपन होता है। चौथा कारण, पांचवा कारण है, जिस समय तथागत अनुत्तर सम्यक संबोधि को अब अनुबोध करता है, उस समय में भी ये धरती डोलता है, हिलता है, कंपित होता है। ये पांचवा कारण है। आनंद, जिस समय तथागत पहला प्रवचन देता है, अनुत्तर धर्म चक्र को प्रवर्तन करता है, परिवर्तन करता है, उसी दिन उसी समय ये धरती डोलता है, भूमि चलन होता है। ये भूमि चलन का छठा कारण। और आनंद, जिस समय तथागत होश में रहते हुए आयु कल्प रहने का मौका छोड़कर आयु संस्कार को त्याग करता है, उसी समय ये धरती पूरा डोलता है, हिलने लगता है। भूमि चलन होने का ये सातवां कारण है। आठवां कारण है, आनंद तथागत अनुपाधि शेष परनिर्वाण धातु से परनिर्वाण हो जाएगा तो उस समय में भी ये धरती डोलने लगता है, हिलता है। यह आठवां कारण है। तो इसके बाद आनंद मंत्री जी निमंत्रण, इसके बाद जानते हैं क्या हुआ, निमंत्रण करता है, फिर जो उल्टी किया वापस उल्टी लेता नहीं, वैसा सांप अपना केचुआ को छोड़ देता, वापस पहनता नहीं है, वैसा छोड़ दिया। परनिर्वाण का समय आ गया, तो यही सूत्र भूमि चार सूत्र इतना तक है। इसमें से छह कारण भगवान बुद्ध के संबंध में है ना, इसका जरा समझ में आता है कि भगवान बुद्ध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध ने आनंद बंती जी को बताया, बहुत सारे देवताओं आसमान में भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है एक सुई बोकने का जगह नहीं आसमान में, उतना देवताओं भरा हुआ। कैसे? अपना बड़ा शरीर को छोटा करके, छोटा छोटा शरीर करके सभी देवताओं भरा हुआ आसमान पूरा भरा हुआ है तथागत को दर्शन करने के लिए। कुछ भगवान देवता भी होता है, क्या बात है आनंद, देवताओं रोता है, वो महाश्रमण हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। दुनिया को ज्ञान दिखाए वाले ज्ञान की चक्षु बंद हो रहा है, जिसने ज्ञान का प्रदीप जलाया वो ज्ञान की ज्योति बुझ रहा है। ऐसे करके फिर हम कब उनको दर्शन करेंगे? आनंद, देवताओं ऐसे बेहोशों में गिर जाता है, केला का पेड़ काटने में गिर जाता है ना, वैसा देवताओं को भूल जाते हैं हम कहाँ हैं। इतना देवता दुखी है तथागत के परनिर्वाण से। तो कौन सा देवता जो अनागामी नहीं हुआ, उन देवताओं, अनागामी देवताओं सब अनित्य को मनन करते उस समय। तो ऐसा महान गुरु का दर्शन हम नहीं कर पाया है, लेकिन एक अच्छा मौका आ गया वो महान गुरु को सेवा करने का, सेवा करने का उत्तम चांस है अपना पास। वो अच्छा मौका अपने से हटने नहीं देना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। इसलिए आप लोग भी भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा सुरक्षा करते रहिए, गुरु लोगों की इज्जत करी, और आप लोगों को भी निर्वाण प्राप्त करने दम तक श्रद्धा सुरक्षा करके रहने का भाग्य मिल जाए।